अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई एयरपोर्ट से जब मैं कनाडा आ रहा था तो उस वक्त मेरे साथ क्या शॉकिंग हुआ। इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो वीडियो को फुल देखिए। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, कल की तरह बारिश नहीं हो रही इधर। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आज इधर अपने टेरेस पे आके आप लोगों से बात करता हूँ। तो चलें अभी एक साथ में चाय पीते हैं और साथ साथ बातें भी करते हैं। तो अब हम बैठ गए हैं यहाँ पे, चाय भी साथ साथ पियेंगे, बिस्किट्स भी हैं और मौसम का मज़ा भी लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि मेरे साथ दुबई एयरपोर्ट पर क्या हुआ था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं दुबई से आया हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं गया था। तो दुबई से सब मेरा वीज़ा वगैरह इशू हो गया था और पासपोर्ट पे भी टेस्ट हो गया था। तो मैं ये समझ रहा था कि अब और कोई भी डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर गया था। मेरे मोबाइल में भी थे और जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने मुझे बोला हुआ था कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो इमिग्रेशन में दिखाने हैं, तो वो सब मैंने अपने पास, प्रिंट आउट भी था, सॉफ्ट कॉपी भी थी मेरे पास, सब मोबाइल में था। अपने रूम से मैं चला था तकरीबन 5:30 बजे तक मॉर्निंग में, और 9:00 की मेरी फ़्लाइट थी दुबई से टोरंटो, टोरंटो से सेंट जॉन्स। मैं एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचा, सबसे पहले तो मुझे ये शौक लगा कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देते थे दुबई एयरपोर्ट वाले। हम जैसे ही एंट्रेंस पर गए, मैं और मेरे बड़े भाई मुझे ड्रॉप करने गए थे। हमने सोचा था कि हम दोनों चले जाएंगे, क्योंकि मैंने ये सुना था कि एक पर्सन एक पैसेंजर के साथ अलाउ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें मेन एंट्रेंस पर ही रोक दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि ओनली पैसेंजर्स आर अलाउड। बस फिर वहीं सी ऑफ किया, बड़े भाई मेरे मुझे छोड़कर चले गए वापस, मैं अंदर आ गया। जैसे मैं अंदर आया हूँ, मैं अपना बोर्डिंग पास जहाँ पर इशू होते हैं वहाँ चला गया। बोर्डिंग पास वाली जगह पे वहाँ पर दो और रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे और उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट चेक किया। बड़ा सरप्राइजिंग था, मुझे ये शौक लगा जब उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपके पास जॉब ऑफर है। तो मैं थोड़ा सा सस्पिशियस सा हो गया। मैं बोला, मैंने ये सोचा कि इन लोगों का क्या कंसर्न है जॉब ऑफर हो या ना हो। ऑफ कोर्स मेरे पास जॉब ऑफर थी, तभी मैं वीज़ा मेरा पेस्ट हो गया था और अब मैं फ्लाई कर रहा हूँ और मैंने टिकट भी बुक कर लिया था। सवाल किया कि आपका इससे क्या कंसर्न है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी रीसेंट कम्युनिकेशन आपके एम्प्लॉयर के साथ नहीं है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखी हैं और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई। तो मेरे पास, फॉर्चुनेटली मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मेरे पास ये एनएल गवर्नमेंट से जो अप्रूवल लेना था वो भी है मेरे पास, वो भी था उस वक्त मेरे पास, मैंने अप्रूवल भी दिखा दिया। खैर, ऑलमोस्ट 15 to 20 minutes आई हैव स्पेंट देयर। वो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए एग्री कर दिया कि चलें ठीक है, आप जा सकते हैं आगे। फिर मैं चेक इन करने के लिए आगे जो बोर्डिंग पास इशू करते हैं जो ऑफिसर, उनके पास गया। उन्होंने भी मुझसे यही सवाल पूछा कि आपके पास है ऑफर लेटर, तो मैंने उनको भी ये बताया हाँ जी है मेरे पास, तो मैंने वो भी दिखा दिया। इसलिए जो भी दुबई से या अपने कंट्री से कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यू शुड मेक श्योर दैट
all of you should have a recent communication either with your employer or with the Canadian government. Otherwise, they will not give you the boarding pass and you cannot fly. बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ था मुझे. उसके बाद मेरा बोर्डिंग पास इशू हो गया, मैं इमिग्रेशन पे गया. इमिग्रेशन करवाने के बाद मैं वेटिंग हॉल में आ गया. वेटिंग के बाद 9 o'clock हो गया और फिर मैं प्लेन में एंटर हो गया. प्लेन में मैं जैसे ही बैठा था, एमिरेट्स की फ़्लाइट थी, A380 प्लेन था. ये मेरी बहुत बड़ी और बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि वन डे इंशाल्लाह आई विल फ्लाई इन A380. And that wish has come true in this journey from Dubai to Canada. Alhamdulillah. Plane में मैं जैसे ही enter हुआ, वो जो air hostess वगैरह थे सब ने अपना जो sanitizer kits होती हैं वो वाली, वो सब उन्होंने पहन रखी थी. और plane में एक seat को छोड़कर एक seat पे passenger बिठा रखे थे उन्होंने, ताकि social distancing maintain करके रखें, जो कि मैंने बहुत सारी एयरलाइंस में देखा है कि वो फॉलो कर रहे हैं ये सब रिस्ट्रिक्शंस. ऑफ कोर्स पैसेंजर सेफ्टी इज़ अ मस्ट. उसके बाद प्लेन फ्लाई कर गया. 14 आवर्स की टोटल फ्लाइट थी टोरंटो तक की. टोरंटो पहुंचने के बाद आगे की स्टोरी मैं अभी आपको बताता हूँ ये बिस्किट खाने के बाद. ऑलराइट, बिस्किट मैंने खा लिया है, चाय भी मैंने पी ली है, अभी रूम में चलते हैं कि हम उसके बाद आगे हम कंप्लेन करते हैं. टोरंटो में जैसे ही पहुंचा तो मेरी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई एयरपोर्ट से मुझे पहले बता दिया था कि आपके बोर्डिंग पास दोनों इशू कर दिए हैं. मेरी अगली फ्लाइट वेस्ट जेट से थी टोरंटो से सेंट जॉन्स, वो 6 बजे तक की थी, तो आपको बैगेज वगैरह कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देते हैं. लेकिन मेरा एक फ्रेंड है दुबई में जिसने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि आपने फिर भी डबल चेक कर लेना है एयरलाइन से कि वो बैग्स आपके ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं करेंगे. सो दिस इज़ आल्सो हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन हूएवर इज़ टेकिंग कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम टोरंटो. प्लीज़ ऑलवेज मेक श्योर यू चेक विद द एयरलाइन. और मैंने भी वही किया, मैंने उन लोगों से पूछा कि आप मेरे बैग्स वगैरह करेंगे ट्रांसफ़र या मैं मुझे खुद से लेने पड़ेंगे. तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप जाके इमिग्रेशन पे जाएं, इमिग्रेशन करवाने के बाद फिर आप बॉर्डर सर्विसेज पे जाएं, उधर से क्लियरेंस मिलेगी, तो फिर आपने इधर अपना बैगेज कलेक्ट करना है और फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है. टाइम बहुत ही शॉर्ट था मेरा और मैंने अपनी कंपनी को भी के साथ भी कम्युनिकेट करना था, कैब बुक करवानी थी, तो इस सब के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस सा हो गया था, परेशान हो गया था कि मैं कैसे करूँगा सारा मैनेज, क्योंकि टाइम मेरे पास सिर्फ 3 घंटे थे, ओनली 3 आवर्स. उन 3 घंटों के दरमियान मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी. कैनेडियन सिस्टम की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, उसकी भी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने 3 घंटों के अंदर अंदर अपना ये सारे काम करवा लिए. मैं जैसे ही लैंड किया तो मुझे एक ऑफिसर मिला, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने इधर इमिग्रेशन पे जाना है. मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मैंने हेडफोन लगा रखे थे इधर, क्योंकि मैं साथ साथ बात भी कर रहा था, कम्युनिकेट भी कर रहा था अपनी फैमिली के साथ. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये उतार दीजिए, तो मैंने वो उतार दिए हेडफोन. उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया साथ में. सॉरी, आपको मैंने नहीं बताया, एयरलाइन में ही प्लेन में ही बैठे हुए आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है, वो आपने फिल करना है कोविड से रिलेटेड. सो वो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया था, वो मैं लेकर वो इमिग्रेशन पे गया, तो ऑफिसर ने वो चेक किया, उसके ऊपर क्रॉस मार्क किया कि ये वेरीफाई हो गया है. और मेरा पासपोर्ट भी मुझे फिर उन्होंने बॉर्डर सिस्टम बॉर्डर सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ मुझे सेंड कर दिया. बहुत अच्छा और बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था, सब ने बहुत ही जल्दी के साथ काम किया था. मैंने आपको यही बताया था ना, मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं कैसे करूँगा ये सारे काम, बट अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम बहुत अच्छा है, इन्होंने कोई भी परेशानी नहीं होने दी. मैं बॉर्डर सर्विसेज डिपार्टमेंट में चला गया, तो मुझसे पहले 6 या 5
पैसेंजर ऑलरेडी थे, वो भी क्यू में ही थे, तो मैंने ये भी शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है इधर, पाँच या छः पैसेंजर्स हैं। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी लाइन लगी थी, क्योंकि जिस लेन में हम आए थे वो ऑलमोस्ट सभी इमिग्रेंट्स थे, और उन सब लोगों ने बॉर्डर सर्विसेज से अपना वीज़ा वगैरह या जो भी वर्क परमिट है इशू करना होता है। इन द मीन टाइम मैं ये भी परेशान था कि मैंने क्या करना है, मेरे कैब बुक करवाने हैं, दिस इज़ फॉर माय फर्स्ट टाइम इन कनाडा, एंड हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट, आई डोंट हैव सिम, आई डोंट हैव द कनेक्शन, हाउ विल आई बी गोइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु एवर आई नो देयर। सो ये सब करने के लिए मैंने फिर अपने मेरे बड़े भाई को ईमेल किया, वाईफाई था मेरे पास टोरंटो एयरपोर्ट से ही, तो उनको मैंने ईमेल की, उनसे कम्युनिकेट करके उन्हें मैंने कहा कि मेरी ईमेल ओपन करके तो आप मेरी कंपनी के साथ कम्युनिकेट करें। उन्होंने इस तरह से मैंने अपना कंपनी से कम्युनिकेट किया कि मैं कनाडा पहुंच गया हूं, एंड सेकेंडली कैब की बुकिंग के लिए भी उन्होंने अरेंज कर दिया था वहीं से ही। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, आप जल्दी में हो, आपके पास टाइम ना हो ईमेल चेक करने का, ईमेल करने का, तो आप किसी को ये टास्क डेलीगेट कर सकते हैं उनकी हेल्प के लिए। जब मेरा टर्न आया तो मैं ऑफिसर के पास गया हूँ, ऑफिसर ने मुझसे वही सेम क्वेश्चन पूछा जो दुबई एयरपोर्ट पर पूछा गया था कि आपकी रिसेंट कम्युनिकेशन है और आपका जॉब ऑफर लेटर दिखाओ मुझे। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखा दिया, वर्क परमिट इशू कर दिया। जैसे ही मुझे वर्क परमिट इशू किया, उसने मुझे कंग्रेचुलेशन बोल दिया था, तो मैंने थैंक यू कहा। उन्होंने मुझे फिर उसी ऑफिसर ने बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब मुझे किया और एक्सप्लेन किया कि आप यहाँ से जाएँ, नीचे आपके बैग पड़े होंगे, बैग लेकर आप टर्मिनल 3 पे जाएँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो टोरंटो से दुबई से टोरंटो आई थी वो टर्मिनल 1 पे आई थी, और मेरी नेक्स्ट फ्लाइट थी वो टर्मिनल 3 से जानी थी, तो वो ट्रेन में बैठ कर जाना था। वो ट्रेन में भी मैंने एक वीडियो कैप्चर की थी, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। मैं टर्मिनल वन से टर्मिनल थ्री की तरफ चला गया, जहाँ पे दूसरी एयरलाइंस लोकल फ्लाई करती थी, तो मैंने लोकल ही जाना था टोरंटो से सेंट जॉन्स, तो वेस्ट जेट के थ्रू जाना था मैंने। मैं टर्मिनल 3 पे पहुंच गया, वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करना पड़ा, अपना बोर्डिंग पास मेरे पास था, वो मैं एयरलाइन के काउंटर पर जाकर मैंने अपना बैगेज जमा करवा दिया था। उसके बाद मैं वेटिंग हॉल में बैठ गया था दोबारा से, वहाँ पर बैठे हुए भी मैंने पिक्चर बनाई थी, वो भी आपको दिखाता हूँ। ऑल राइट, सो ये थी वो पिक्चर जो मैंने टोरंटो एयरपोर्ट पर बनाई थी। तो उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स मैं प्लेन में एंटर हो गया था, तो फ्लाइट चल रही थी। सिंस ये लोकल फ्लाइट थी, तो वहाँ पे कोई पासपोर्ट की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने प्लेन से एग्जिट करने के बाद बैगेज साइड पर चले गए, बैगेज अपना पिक किया, वहाँ पर हेल्थ स्क्रीनिंग चल रही थी। यहाँ पे मैंने बताया था कि अटलांटिक प्रोविंसेस जो हैं वहाँ से भी सेपरेट अप्रूवल लेनी पड़ती है एंटर होने के लिए अटलांटिक प्रोविंसेस में। सो सिंस न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर भी अटलांटिक प्रोविंस ही है, तो यहाँ की भी मैंने अप्रूवल ली, तो वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी था, तो वो भी मैंने फिल कर दिया था, वो उन्होंने चेक किया है और उन्होंने उसके बाद मुझे फ्री कर दिया। तो मैं ऐसे कैब लेकर, कैब ऑलरेडी बुक हो चुकी थी मेरी कंपनी की तरफ से, तो मैंने कैब में एंटर होने के बाद अपना रूम की तरफ आ गया। तो ये थी अब तक की जर्नी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।